आइए दोस्तों, चलते हैं सपनों की दुनिया में। और मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सपनों की दुनिया में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सपना देखना तो भाई सबको दिखता ही दिखता है, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि सपने यूं ही नहीं आते हैं। और आपको पता है सपने क्यों आते हैं, इसका उत्तर शास्त्र में मिलता है। शास्त्र के अनुसार जो अलौकिक शक्तियाँ हैं उनके माध्यम से हमारे जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके बारे में इशारा कर देते हैं सपने। और मित्रों, इसलिए सपने आते हैं जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जी हाँ, कभी शुभ तो कभी अशुभ घटनाएं होती हैं, उसी तरह के सपने व्यक्ति को आते भी हैं। और कभी कभी तुम जो देखते हैं सुनते हैं वो सब नहीं, कुछ अन्यत्र अन्य जगह की चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हमको दिखते हैं। लेकिन मित्रों, जो भी हम देखते हैं उन सबका फल तो अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक तरह के सपने तो देखता ही नहीं है। हर व्यक्ति का एक तरह का जीवन है ही नहीं है, अनेक अनेक घटनाएँ हर किसी के जीवन में अलग अलग होती रहती हैं। तो मित्रों, आज हम बताएंगे कि अगर स्वप्न में आपने गौरैया चिड़िया देखा है, पक्षी देखा है गौरैया, तो उसका क्या फल हो सकता है। जी हाँ, अगर स्वप्न में आपने गौरैया देखा है, चिड़िया देखा है, तो ये स्वप्न आपके जीवन में यही बताने के लिए आया है कि भाई आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है और आपको तैयार हो जाना है अपने घर को अच्छे से सजा करके और खूब सारी चीज़ें अच्छी से ला करके वो मेहमान के स्वागत के लिए रखना है। और देखो भाई, मेहमान जो अतिथि ऋण से मुक्त होना है तो मेहमान का स्वागत करना चाहिए। ईश्वर तुल्य बताया गया है मेहमान को, इसलिए मेहमान की सेवा करने से हमारे जीवन की कई सारी परेशानियां अलौकिक शक्तियों के द्वारा और मेहमान के आशीर्वाद के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। और मित्रों, ऐसी रोचक जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।